नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 जून, दिन बुधवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सुमन मांझी के इस्तीफे के बाद नीतीश कैबिनेट में क्या शामिल होंगे ये नेता? प्रशांत किशोर ने मांझी के बहाने लालू यादव पर साधा निशाना। आनंद मोहन के बेटे ने भाजपा को लेकर कह दी ये बात। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पप्पू यादव ने बीजेपी पर लगाए यह आरोप। अब चले बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। सुमन मांझी के इस्तीफे के बाद नीतीश कैबिनेट में क्या शामिल होंगे ये नेता? नीतीश के मंत्रिमंडल से जीतनराम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया है। अब इसके बाद यह खबर सामने आई है कि सहरसा के सोनबरसा से तीन बार से विधायक बन रहे विधायक रत्नेश सदा को नीतीश कुमार ने अचानक फोन करके बुलाया है। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा है कि अभी आप पटना में ही रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। अब ऐसे में सियासी गलियारों में यह अटकलें देखने को मिल रही है कि संतोष मांझी की जगह अब रत्नेश सदा ले सकते हैं। चल रहे इन चर्चाओं के बीच अब रत्नेश सदा का बयान भी सामने आया है। इन सब बातों को लेकर उन्होंने कहा है कि अब बिल्कुल सत्य है कि मुझे सीएम नीतीश कुमार का कॉल आया था और उन्होंने मुझे पटना आने को कहा था, जिसके बाद हम उनसे जाकर सीएम आवास पर मिले, लेकिन उन्होंने इस मुलाकात को महज शिष्टाचार की मुलाकात बताया। एक बार फिर से आरोपों के घेरे में फंसे केजरीवाल। अभी हाल में ही आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर सीएम आवास को शीश महल के रूप में बदलने के आरोप लगे थे, जहां केजरीवाल के खिलाफ यह मामला आया था कि उन्होंने सीएम आवास के रिनोवेशन में कुल 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो तय सीमा से काफी ज्यादा थे। इनके अलावा आम आदमी पार्टी के भी कई नेताओं पर बीजेपी द्वारा कई तरह के आरोप लगाए जा चुके हैं, जिसकी जाँच सीबीआई और ईडी द्वारा की जा रही है। अब इसी कड़ी में एक बार फिर से केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बीते ही दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी विधायक रामवीर सिंह विधुरी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि पैनिक बटन के नाम पर टैक्सी और बस मालिकों से हजार रुपए वसूले गए। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसे पैनिक बटन लगाए गए हैं जिनकी कीमत मुश्किल से 5 रुपए होगी, जो कि काम भी नहीं कर रहे। इतना कहते उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की है। प्रशांत किशोर ने मांझी के बहाने लालू यादव पर साधा निशाना। नीतीश कैबिनेट से संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद सियासी बयानबाजी का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इसी बयानबाजी के बीच प्रशांत किशोर ने मांझी के बहाने लालू यादव को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह लालू को सिर्फ अपने बेटे को सीएम बनाने की चिंता है, उसी तरह से मांझी को भी अपने बेटे की चिंता सता रही है। दोनों को दलित और पिछड़े समाज से कोई मतलब नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को लगता है कि बिहार में जाति की राजनीति हो रही है, लेकिन इसके कई उदाहरण है जो हमें बताते हैं कि बिहार में जाति की राजनीति नहीं हो रही है। आगे उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या किसी ने भी कभी सुना है कि जीतनराम मांझी दलित के लड़की को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? जीतनराम मांझी सिर्फ अपने बेटी को मुख्यमंत्री बनाना के बारे में सोचते हैं। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को बताया पलटूराम। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अक्सर अपने बयानबाजी को लेकर सियासी गलियारों में बने रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने मोदी सरकार के गुणगान करते हुए कहा है कि विगत 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश का कायाकल्प कर दिया है। लोगों को भजन, मकान और दवा मुहैया कराने के साथ राम मंदिर का निर्माण एवं धारा 370 को समाप्त किया है। साथ उन्होंने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने हमेशा लोगों को ठगने का काम किया है। आगे उन्होंने बताया कि कर्पूरी ठाकुर, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू प्रसाद यादव के साथ भाजपा इसका उदाहरण है। वहीं नीतीश कुमार को पलटूराम बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने भाजपा का साथ छोड़कर भाजपा का भला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संतोष मांझी ने इस कहानी के जरिए किया कटाक्ष। बिहार सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद संतोष मांझी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, जहां उन्होंने हिरण और शेर की कहानियां सुनाई। संतोष मांझी की इस कहानी को लेकर कई सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। दरअसल उन्होंने अपने पिता और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतनराम मांझी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हालिया मुलाकात को लेकर कहा है कि उनसे मिलना कोई गुनाह नहीं है। साथ उन्होंने बताया कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग को लेकर यह मुलाकात हुई थी। वहीं बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि एक जंगल में शेर और हिरण साथ रहते थे, लेकिन जब हिरण को लगा शेर के हाथों उसकी जान नहीं बचने वाली है, तो हिरण वहां से भाग खड़ी हुई। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि शेर कौन है यह स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। आनंद मोहन के बेटे ने भाजपा को लेकर कह दी यह बात। बिहार के बाहुबली कहे जाने वाले पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और राजद के विधायक चेतन आनंद ने मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जीतनराम मांझी एक परिपक्व नेता है, उन्होंने भाजपा के चाल को समझना चाहिए। भाजपा ने जरूर उन्हें राज्यपाल बनाने या अन्य तरह के प्रलोभन दिए होंगे, लेकिन भाजपा के नियत को समझना होगा। जो हमारे पिता पूर्व सांसद आनंद मोहन का नहीं हुआ, वह किसी का भी नहीं होगा। बीजेपी ने राहुल गांधी पर देश विरोधी बयान देने के लगाया आरोप।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुकी है। इसी कड़ी में कोई सत्ताधारी पार्टी अपने किए गए कार्यों को गिनवा रहे हैं तो कोई आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। अब इसी बीच भाजपा ने भारत के लोकतंत्र को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कई शक्तियां यहां नहीं चाहती है कि देश में नरेंद्र मोदी की तरह पूर्ण बहुमत वाली स्थायी और मजबूत सरकार हो। इसलिए जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे कुछ ताकतें भारत के खिलाफ एजेंडा चलाकर भारत में स्थायी सरकार को फिर से सत्ता में आने से रोकना चाहती है। वही एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी अमेरिका दौरे का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर आरोप भी लगाए गए हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर देश विरोधी कई बयान दिए हैं। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के सुशासन पर उठाए सवाल। कभी नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले आरसीपी सिंह बीजेपी का दामन थामने के बाद नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते नजर आते हैं। एक बार फिर से उन्होंने नीतीश कुमार के प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं लेकिन उनके ही सरकार में बिना रिश्वत लिए किसी दफ्तर में काम नहीं होता है। वहीं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से संतोष सुमन का इस्तीफा देने को लेकर उन्होंने कहा कि धीरे धीरे सब लोग जदयू से किनारा कर रहे हैं क्योंकि अब इस गठबंधन में कुछ बचा नहीं है, सिर्फ वही लोग बचे हैं जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जनता से वोट लिए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर सियासी घमासान देखने को मिल रहा। बता दें कि इसको लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने केंद्र के मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार द्वारा राजनीतिक उत्पीड़न और बदले की कार्यवाही के अलावे कुछ नहीं है। विपक्ष में हम में से कोई भी इस तरह के निर्लज कदमों से भयभीत नहीं होंगे। गौरतलब है कि बीते ही दिनों तमिलनाडु में बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के घर ईडी द्वारा छापेमारी की गई थी जहां उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। नीतीश मंत्रिमंडल से बेटे के इस्तीफे के बाद जीतन राम मांझी ने कही ये बात। अपने ही बेटे संतोष मांझी के नीतीश कैबिनेट से इस्तीफे को लेकर अब जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि हमने इतने दिन उन्हें देखा परखा फिर जाकर यह निर्णय लिया कि अब इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। यह जनता की आवाज थी। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को हमने अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि पार्टी में आ जाए या फिर बाहर चले जाए, चाहे ललन सिंह हो, तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, मुझे किसी से व्यक्तिगत परेशानी नहीं है लेकिन जनहित के साथ समझौता नहीं होगा। आरसीपी सिंह ने जदयू को लेकर किया यह दावा। चुनाव से पहले अक्सर राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहता है। कई बार कई नेता अपने बड़बोल के कारण भी विवादों के घेरे में आ जाते हैं। अब इसी कड़ी में बीजेपी में शामिल हुए आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर विवादास्पद दे दिए हैं। लिहाजा आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार की तुलना लोमड़ी से करते हुए कहा कि जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलता है तो अंगूर खट्टे हैं। साथ ही उन्होंने दावा करते हुए यह भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जदयू का लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी में विलय हो जाएगी। विलय नहीं होने पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। पप्पू यादव ने बीजेपी पर लगाए यह आरोप। पप्पू यादव ने संतोष मांझी के इस्तीफे को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही विपक्षी एकता का भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तुलना बड़ी मछली से करते हुए कहा है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगलना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि संतोष मांझी ने अपनी पार्टी की साख को बचाने के लिए ऐसे कदम उठाया, खासकर चुनाव के समय में छोटी पार्टी इस तरह के सौदेबाजी करती है। चुनाव में महज 9 महीने बाकी है, अब इधर से उधर जाने का खेल चलता रहेगा। साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि संतोष मांझी के इस्तीफे में बीजेपी का हाथ है, बीजेपी पैसे का खेल खेलती है। राजद नेता के अपहरण और सीओ की पिटाई मामले में बढ़ सकती है एसबीजेपी विधायक की मुश्किलें। साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक पर राजद नेता के अपहरण कांड और सीओ कर्मचारी के पिटाई के आरोप लगाए थे। अब इस मामले भी बीजेपी विधायक की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। दरअसल विधायक के खिलाफ इश्तिहार की अर्जी कोर्ट में लगाई है। पुलिस द्वारा कहा गया है कि कोर्ट की तरफ से आज की अर्जी मंजूर कर ली जाएगी। बता दें कि इस मामले को लेकर डीएम और एसएसपी से बीजेपी ने प्रतिनिधिमंडल ने निष्पक्ष जांच की मांग की थी। साथ ही स्थानीय पारू थाना पुलिस पर एक पक्ष की तरफ से कार्रवाई करने के भी आरोप लगाए। बीजेपी नेता ने महागठबंधन के भविष्य को बताया अंधकार। राजनीतिक गलियों में महागठबंधन की एकता में हो रहे बिखराव को लेकर काफी चर्चाएं देखने को मिल रही। कहीं न कहीं लोग महागठबंधन के भविष्य को अंधकार में बता रहे हैं। शायद इसलिए भी क्योंकि अभी हाल में ही नीतीश सरकार से एक मंत्री द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। इस्तीफे के बाद विरोधी दल लगातार महागठबंधन को सरकार निशाने पर ले रहे और भविष्यवाणी करने हुए बता रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 महीने में महागठबंधन पूरी तरह से बिखर जाएगा। अब इसी कड़ी में बीजेपी के राकेश सिन्हा ने महागठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि 2024 और 25 में उनका भविष्य अंधकार में। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि महागठबंधन में कई ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री के रेश में हैं और मेंढक की तरह एक दूसरे का टांग खींच रहे हैं। बीजेपी द्वारा राहुल गांधी पर लगाए गए इस आरोप को लेकर उद्धव गुट के नेता ने कही ये बात।
अभी हाल में ही ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कृषि कानूनों के खिलाफ भारत में हुए विरोध प्रदर्शन के समय सरकार ने आलोचना करने वाले कई ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे। साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि भारत सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया और ट्विटर को भारत में बंद करने की भी धमकी दी गई। इन आरोपों को लेकर बीजेपी नेता संबत पात्रा ने ट्विटर पर एक कार्टून पोस्ट किया था, जहां यह दिखाया जा रहा था कि राहुल गांधी जैक डोर्सी को कठपुतली की तरह रचा रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से जैक डोर्सी के इस दावे को खारिज भी कर दिया गया। इसी को लेकर शिवसेना के उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि क्या ये पीएम और सरकार की शानदार विफलता नहीं है कि राहुल गांधी बिना किसी पद के ही तारों को खींच रहे हैं। फिलहाल आज के राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान, सृष्टि कुमारी, जितेंद्र ठाकुर। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, जिस तरह लालू को सिर्फ अपने बेटे को सीएम बनाने की चिंता है, वैसे ही मांझी को भी अपने बेटे की चिंता सता रही है। प्रशांत किशोर के इस बयान से आप कितने सहमत हैं? आप जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।